नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पा भल्ला, जो खाने में बहुत टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोलगप्पा भल्ला बनाने के लिए मैंने 8 स्लाइस ब्रेड की ली है और जिसकी मैंने ब्राउन पार्ट हटा दिया है। ब्राउन पार्ट हमें इस तरह से हटाना है। एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके किनारे इस तरह से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से सभी ब्रेड मैंने तैयार कर लिए। इसका आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं सुखा के। अब हमें गोलगप्पे चाहिए। आप छोटी साइज के ही गोलगप्पे लें, ज्यादा बड़ा गोलगप्पा ना लें। और मैंने कुछ काजू, किशमिश और बादाम और टूटी फ्रूटी लिए गोलगप्पों में भरने के लिए। इसकी फिलिंग के लिए हमें एक एक चम्मच काजू, बादाम, किशमिश और टूटी फ्रूटी चाहिए। अब हम इसमें हॉल कर लेंगे और इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट भर देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं भरना चाहते तो इसके अंदर उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं। आलू के अंदर आप नमक और हल्की सी लाल मिर्च मिलाकर या काली मिर्च मिलाकर इस तरह से उसके अंदर भर सकते हैं। जो फिलिंग आपको अच्छी लगे वो आप गोलगप्पे के अंदर भर सकते हैं। सभी गोलगप्पे हम इसी तरह भरकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है और ब्रेड को हम इस तरह से डिप करते हुए इसे दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह से निचोड़ लेंगे। ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्का थोड़ा पानी रहना चाहिए। और अब हम इसके अंदर ये गोलगप्पा रख लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। और ये जैसे अभी अच्छे से कवर नहीं हो पाया है तो हम दूसरी ब्रेड ले लेंगे और इस तरह से निचोड़ लेंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से भल्ला थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अगर आप बड़ी ब्रेड ले रहे हैं तो एक ही स्लाइस से भल्ला बन जाएगा। अगर आप इस तरह की ब्रेड ले रहे हैं तो आपको गोलगप्पे थोड़े छोटे लेने पड़ेंगे, तब एक ही स्लाइस से भल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे ये वाला हो जाएगा बनकर तैयार। ये गोलगप्पा छोटा है इसलिए ये छोटा और बड़ा दोनों भल्ले हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए ये छोटा बनके तैयार हो गया, ये बड़ा। आप दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। अगर बड़े बनाना चाहते हैं तो दो स्लाइस ब्रेड की यूज़ करें। देखिए सभी भल्ले बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लेंगे और इसे लपेट लेंगे। इससे हमारा भल्ला जो है कढ़ाई के अंदर चिपकेगा नहीं। आप इन भल्लों को बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं। एक भल्ला कटोरी में रखें, उसके अंदर दही और चटनी वगैरह मसाले वगैरह डाल के इसे ऐसे भी खा सकते हैं। पर ब्रेड का कच्चापन निकालने के लिए मैं इनको हल्का फ्राई करूंगी। कईयों को ब्रेड का कच्चापन पसंद नहीं आता है। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने सभी हल्का हल्का सा कोट कर लिया है। तेल मैंने गर्म करना रख दिया था। तेल हमारा मीडियम सा गर्म है। अब हम इसके अंदर ये भल्ला डाल देंगे। आप देख रहे हैं भल्ला तैर रहा है क्योंकि ना इस पे ब्रेड क्रम लगा हुआ है, इसलिए ये भल्ला तैर रहा है। और इसे हम इसी तरह हल्का फ्राई करेंगे। हमें इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी ब्राउन परत आते ही हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हार्ड हो जाएगा तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे फिर। और गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें इन्हें फ्राई करना है। इसी तरह उलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो गए हैं, कुछ ही सेकंड में ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर कुक हमें फ्राई नहीं करना है। एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो भल्ले जो है वो हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। सभी भल्ले हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे और भल्लों को हम हल्का ठंडा होने देंगे। उसी के बाद ही हम उसके ऊपर दही वगैरह डालेंगे।
देखिए भल्ले हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर दही डाल लेंगे। दही हमें थोड़ा गाढ़ा चाहिए, हमें ज़्यादा पतला दही नहीं चाहिए, नहीं तो ये दिखने में भी सुंदर नहीं लगेंगे और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे। अब मैंने दो गोलगप्पे लिए हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और थोड़े से अनार के दाने डाल दूंगी और थोड़ी सी बूंदी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अनार और बूंदी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। थोड़ी सी ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, भल्ले को कितना तीखा बनाना है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कईयों को चटपटा पसंद है तो आप इसे चटपटा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से मसाले डालकर। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च। सबसे पहले हम लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च में हल्का तीखापन आता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा दही और डाल देंगे। ये नए तरह का भल्ला फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाकर खाएं, कोई गेस्ट आए तभी भी आप बनाकर इसे खा सकते हैं और खिला सकते हैं, और कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये भल्ले ब्रेड के बनाए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और थोड़ी सी सेव डाल देंगे। एकदम बाजार से भी अच्छा और बाजार से भी टेस्टी भल्ला घर में हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ये आपने देख ही लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी जिससे दिखने में सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स ये नए तरह का भल्ला आप ज़रूर बनाकर खाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगा और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि आपने ये गोलगप्पा और ब्रेड से बनाए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।